हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे आपके पर्सन की दिमाग में क्या है और दिल में क्या है। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आपके सामने आ रहा है आप देख सकते हैं। मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकता है। सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स, वीडियो सबके लिए ओपन है। सारे रिलीजन के लोग, सारे कास्ट कल्चर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। और जिन भी पर्सन के बारे में सोच के आप रीडिंग को देखेंगे उसकी एनर्जी पिक होगा। ओके, और स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है मेरा पर्सनल रीडिंग के नंबर है। जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेना है इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। चलिए पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की दिमाग में क्या है, उसके बाद हम देखेंगे आपके पर्सन की दिल में क्या है, और उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे आपके पर्सन, इमीडिएटली नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं आपके रिश्ते में। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए। प्लीज एंजल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स जो लोग भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में देखेंगे उनके पर्सन के दिमाग में क्या है, मेरे व्यूअर्स के सबकॉन्शियस माइंड में जो पर्सन है, मेरे व्यूअर्स जिन भी पर्सन के बारे में सोच के रीडिंग को देख रहे हैं उस पर्सन की दिमाग में क्या है। प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लव्ड वंस की दिमाग में क्या है। वाओ, पहला ही कार्ड। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की दिमाग में क्या है प्लीज इसे गाइड करें। माय गॉड, लवर के कार्ड जो है कूद कर बाहर आ गए। परेशान है वो, लव लाइफ को लेके रो रहे हैं, परेशान है बहुत ज़्यादा। क्या ये कार्ड मुझे ले लेनी चाहिए? बहुत सारे कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, जैसे लवर्स का कार्ड कूद के आए हैं और ये कार्ड फ्रंट में था। मुझे लग रहा है कि ले लेना चाहिए इसको। व्यूअर्स के लव्ड वन की दिमाग में क्या है प्लीज एंजल गाइड करें। मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की दिमाग में क्या है। ओके, लवर्स का कार्ड गया, यहाँ पर शादी का कार्ड्स एंड पास्ट लाइफ का कार्ड्स आए हैं। मेरे व्यूअर्स के लव मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिमाग में क्या है। ओके, यहाँ पर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और एरिस, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो एंड वर्गो। वर्ल्ड कार्ड आया है, सारे साइन आए हैं। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ओके, और यहाँ पर है ये एरिस, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, तो ये सारे साइन यहाँ पर निकल कर आए हैं। आपके पर्सन के दिमाग में क्या है? आपके पर्सन के दिमाग में ये है, आप उनके लिए सोलमेट जैसा प्यार हो। ठीक है, आपके साथ जितना उनका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उनको लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वो पास्ट लाइफ रिश्ता है। ठीक है, पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप है। ठीक है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। ओके, और यहाँ पर हो सकता है आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप दोनों पास्ट लाइफ में हस्बैंड वाइफ थे। ठीक है, यहाँ पर दोनों पर्सन दिख रहा है, एक मेल एक फीमेल। ठीक है, तो पास्ट लाइफ हस्बैंड वाइफ थे आप दोनों। ठीक है, ये आपके पर्सन को लगता है। और उनके दिमाग में क्या है? उनके दिमाग में है कन्फ्यूजन से बाहर आना है, थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आना है। बहुत ज़्यादा सोच विचार यहाँ पर चल रहा है, आइसोलेटेड है, अलोन है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, नेगेटिविटी से गुजार रहे हैं। लाइट नहीं है, होप नहीं है, थोड़ा बहुत लाइट है उनके लाइफ में। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर पास्ट लाइफ कार्मिक हस्बैंड वाइफ के साथ है, पास्ट लाइफ कर्मा के साथ है, और उनके शादी में टावर आया है। जिनके भी पर्सन ऑलरेडी मैरिड है और उनका मैरिड लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा झगड़ा, फाइट, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, बहुत ज़्यादा डाउट। ठीक है, तो यहाँ पर उनके मैरिड लाइफ में जो आया है वो है टावर। कुछ लोगों के पर्सन आपको छोड़ के किसी और को चूज़ किया था। ठीक है, किसी और के साथ शादी कर लिया है आपके पर्सन। ठीक है, आपके साथ लव रिलेशन अच्छा था, लेकिन उन्होंने आपको डीच करके, आपको चीट करके, या तो फिर किसी मजबूरी के तहत उन्होंने क्या किया कि आपको छोड़ के किसी और को शादी कर लिया। आपके पर्सन को लगा जिनको उन्होंने शादी किया वो पर्सन उनके लिए सोलमेट कनेक्शन था,
वो पर्सन उनके लिए बहुत अच्छा था, फ्रेंडलीनेस की जो है सिचुएशन था वो पर्सन के साथ, ठीक है, जिनको भी उन्होंने चूज़ किया है, जिनको भी उन्होंने शादी किया है। कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता था कि वो जो पर्सन है वो उनके लिए सही था, सोलमेट कनेक्शन था, या तो फिर उनके साथ जो उनका बॉन्डिंग था बहुत अच्छा था। लेकिन शादी होने के बाद उनको जो रियलाइजेशन हुआ है वो पूरा उल्टा ही हो गया, ठीक है, जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं हुआ, ठीक है। शादी के बाद उनकी असलियत सामने आ गए हैं और यहाँ पर टावर मोमेंट आया है उनके शादी में, तो ये फ्यू लोगों के लिए रेजोनेट करेगा, सबके लिए नहीं है। ओके, तो ओवरऑल आपके पर्सन के दिमाग में है कंप्लीशन में आना, पिक्चर को कंप्लीट करना, आपके शादी खुद के घर बसाना, दुनिया क्रिएट करना, ठीक है। और जो लोग हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ से मैरिड हो, उनके लिए मैं कहूँगा कि आपके शादी में सेपरेशन आया है, टावर मूवमेंट आए हैं, ठीक है। तो जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके शादी के बीच में, अगर कोई अदर पर्सन है, फैमिली है, कुछ भी है, उन सिचुएशन से केयर फ्री होकर आपके पर्सन बाहर आना चाहते हैं, ठीक है। उनको समझ में आ गया कि वो थर्ड पार्टी उनका पास्ट लाइफ कर्मा है या तो फिर किसी तरीके का बैड कर्मा से, तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी यहाँ पर अलोन है, आइसोलेटेड है, ठीक है, अकेले हैं, तो वो चाह रहे हैं एक साइकिल को एंड करना, ठीक है। जो भी कार्मिक साइकिल है वो कार्मिक साइकिल को एंड करके वहाँ से धीरे धीरे करके बाहर आ रहे हैं, ठीक है। सन का कार्ड है, एक्शन लेना चाहते हैं, केयर फ्री होके आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते में फ्रूटफुल रिजल्ट आपके पर्सन जो है चाहते हैं, स्टेबिलिटी लेके आना चाहते हैं। तो ये है ओवरऑल आपके पर्सन की दिमाग की एनर्जी, ठीक है। तो और यहाँ पर ऐसे भी हो सकता है कुछ लोग अपनी सोलमेट से मैरिड हो, कुछ लोग अपनी बेस्ट फ्रेंड से मैरिड हो, लेकिन आप दोनों के बीच सेपरेशन आ गए हैं। लेकिन आप चिंता मत करें, जिनका भी लव रिलेशन बहुत स्ट्रांग था, आपको पता है कि आपके पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत प्यार था, उन्होंने आपको बहुत प्यार किया, लेकिन अचानक से आप दोनों के बीच सेपरेशन आ गया, झगड़ा हो गया, थर्ड पार्टी फैमिली है या तो फिर कोई अदर पर्सन आ गए, ऐसे कि आप दोनों के बीच जो है सेपरेशन आ गया, ठीक है, या तो फिर किसी और की मैनिपुलेशन में आ गए। उनके लाइफ में कोई भी पर्सन क्यों ना रहे, आपको अंदर ही अंदर पता है कि वो पर्सन आपको बहुत चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार पहले भी था, अभी भी है, और वो पर्सन कभी भी आपको भुला नहीं सकेगा, ठीक है। ऐसा अगर लगता है तो डेफिनेटली आप लोग जो है सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, ठीक है, या तो फिर किसी तरीके का बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है आप दोनों के बीच। अगर आप हस्बैंड वाइफ हो तो डेफिनेटली आपका शादी अपनी सोलमेट के साथ हुआ था, तो किसी रीज़न की वजह से यहाँ पर जो है आप दोनों दूर चले गए हैं, तो ये सिचुएशन आपसे मैच कर सकता है। यहाँ से फिर से फोर बैंड्स का कार्ड है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की दिल में क्या है। प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की दिल में क्या है। मेरे व्यूअर्स जिन भी पर्सन के बारे में सोच के रीडिंग को देख रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के सबकॉन्शियस माइंड में जो पर्सन है उस पर्सन की दिल की एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके, प्लीज एंजल गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन की दिल की एनर्जी क्या है, दिल में क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की दिल की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके, क्या सोच रहे हैं उनके दिल में क्या है। न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, यस, देखिए फिर से न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है, ऐसे आया कि फोल्ड हो गया कार्ड। काफ़ी पैशनेट है, क्विकली आना चाहते हैं, जहाँ पर भी वो है हैप्पी नहीं है। यहाँ पर साइन है एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत स्ट्रांग है। ओके, सक्सेसफुली आपके तरफ आना चाहते हैं, स्पेशली जो लोग सिंगल हो यहाँ पर, वो आपके घर में बैंड बजा बारा लेके आना चाह रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे हैं तो डेफिनेटली उस ऑब्स्टिकल्स में फाइट करके विक्ट्री हासिल करके वापस आ रहे हैं, आपके पर्सन विक्ट्री का कार्ड है, ठीक है। यस, वो आपको शादी करना चाहते हैं या तो फिर शादी में वापस आ रहे हैं, शादी यहाँ पर इन्वॉल्व है, इस डेक से भी शादी का कार्ड्स आ गए हैं। बॉटम द डेक में है सिक्स ऑफ कप्स, तो ओवरऑल उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, आपकी मेमोरी में खोए रहते हैं, आपको लेके डे ड्रीम करते रहते हैं, सोचते रहते हैं आपके बारे में, और हारमोनियस यूनियन चाहते हैं आपके पर्सन, उसके लिए वो लगातार हार्डवर्क कर रहे, काम कर रहे हैं। कुछ लोग के पर्सन कार्मिक सिचुएशन में है, कार्मिक बंधन में अटके हुए हैं, कोई डबल एनर्जी में है। ओके,
तो यहाँ पर साइन बाकी जो आए हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी और टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है। यस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, तो ये सारे साइन निकल कर आ गए हैं। तो ऑलमोस्ट सारे साइन हैं यहाँ पर। तो आपके पर्सन के दिल में क्या है? आपके पर्सन के दिल में है उन्होंने पास्ट में जो भी किया है उनका रिग्रेशन है उनको, ठीक है। उनका स्लीवलेस नाइट है, रात को सो नहीं पा रहे हैं, रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा बुरा सपना आ रहा है, या तो फिर जैसे कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, आँख लग भी जाता है बहुत देरी से, बहुत कष्ट से अगर आँख लग भी जाता है तो थोड़ी देर बाद फिर से टूट जाता है नींद, ठीक है, और घबराहट होती है, नींद नहीं आती है, ठीक है, रात भर जगते रहते हैं, फिर सुबह 4 बजे 5 बजे फिर नींद आता है बहुत कोशिश के बाद। तो इस तरीके से आपके पर्सन की लाइफ चल रहा है यहाँ पर। और आपके पर्सन जितना जल्दी हो सके आपके तरफ वापस आना चाह रहे हैं। कुछ लोग के पर्सन ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में हो सकते हैं कि अचानक वापस आते हैं, बातचीत करते हैं, फिर से गायब हो जाते हैं, फिर से ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन काफ़ी इमोशनल मुझे नज़र आ रहे हैं ये दो कार्ड में। तो इमोशनल तब वो होंगे जब उनके दिल में आपके लिए प्यार होगा। तो डेफिनेटली बेहद प्यार है ये दोनों कार्ड, तीनों कार्ड, 5 ऑफ कप्स 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स सीरीज में है। देखिए गाइस, दिखा रहे हैं 5 ऑफ कप्स 6 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। ओह माय गॉड, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स भी आए हुए हैं, ठीक है, 7 ऑफ कप्स भी आए हुए हैं। तो डेफिनेटली, और सारे कार्ड्स में आप देखिए मून की एनर्जी शो रहा है, न्यू मून की एनर्जी शो रहा है, और यहाँ पर फुल मून की एनर्जी है। तो न्यू मून फुल मून में आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है खुद की इमोशन के ऊपर। और अभी अभी जो न्यू मून गया है उनकी हालत ऐसा है, उनका इफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। और आपको दिखा रही हूँ मैं 5 ऑफ कप्स 6 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स दिख रहा है सीरीज में नंबर कैसे आए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं आपके तरफ, और उनके दिल में बेहद प्यार है आपके लेके, बेहद प्यार है। काफ़ी सारे कार्ड कप्स का है, कप्स इमोशन को दिखाता है, और ये रोने वाली एनर्जी है, पर्जिंग वाली एनर्जी है, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके पर्सन आपको लेके डे ड्रीम कर रहे हैं, आपके मेमोरी में खोए हुए हैं, ओके। और पास्ट की जो भी गलती उन्होंने किया है पास्ट में, उन्होंने अगर आपको रिजेक्ट किया, ठीक है, किसी अदर की वजह से उन्होंने अगर आपको छोड़ दिया, ओके, आपका ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, तो अभी जो है पास्ट के बारे में सोच रहे कि पास्ट में कितना अच्छी थी हम लोग, कितना अच्छा था कि हम लोग का जो भी टाइम था कितना अच्छे से गुजारा था। लेकिन अभी जो है कितने भी कुछ उनके पास है, 2 कप्स उनके पास है, हैप्पीनेस है उनके पास, फिर भी वो देख नहीं रहे, ठीक है। तो इसीलिए आपके पर्सन ये जो उनका डार्कनेस है वहाँ से जितना जल्दी हो सके बाहर आ रहे हैं, सक्सेसफुली बाहर आना चाह रहे हैं, ठीक है, विक्ट्री हासिल करके बाहर आना चाह रहे हैं, फाइट करके, लड़ के, झगड़ के बाहर आना चाह रहे हैं। और आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग यहाँ पर होगा 6 वीक के अंदर, 6 डेज के अंदर, ठीक है। हैरोफेंट का कार्ड है, ऑलरेडी अगर मैरिड हो तो मैरिड लाइफ को मिस कर रहे हैं, अगर सिंगल हो तो यहाँ पर शादी करना चाह रहे हैं, ट्रेडिशनली फैमिली की मर्जी से शादी करना चाह रहे हैं। कुछ लोग का ट्रेडिशनल वे में शादी हुआ था, या तो फिर कुछ लोग का लव मैरिज भी हुआ होगा, क्योंकि दिमाग की एनर्जी में लव मैरिज आया था, और यहाँ पर दिल की एनर्जी में जो है हैरोफेंट का कार्ड, तो मंदिर में भी कुछ लोग शादी किया है, मंदिर मस्जिद में जाके सीक्रेट मैरिज टाइप कुछ होता है ना, वो भी किया है बहुत सारे लोग। तो ये सारी चीज़ें हैं उनके दिल में, अगर घर वाले नहीं मानते हैं तो भी हो सकता है आपके पर्सन मंदिर में जाके आपको शादी कर ले, ठीक है, सीक्रेट मैरिज कर ले, आप दोनों के बीच जो मैरिज लाइफ है वो सीक्रेट रहे। और कुछ लोग के पर्सन बैंड बाजा बारा लेके उनके घर भी आने वाले हैं, जिनके बीच में उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर फैमिली को मना के वो आपके तरफ आना चाह रहे हैं, यहाँ पर विक्ट्री हासिल करना चाह रहे हैं, इस रिश्ते में शादी करना चाह रहे हैं, दोनों शादी का कार्ड है। तो एक ही रीडिंग में 3 बार शादी का कार्ड यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पर कार्ड्स। तो डेफिनेटली सक्सेसफुल इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, ग्रोथ चाह रहे हैं आपके पर्सन इस रिश्ते में। और कुछ लोग का यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि दोनों डेक से ही सोलमेट का कार्ड आया था, तो सोलमेट कनेक्शन में भी कुछ लोग हो सकते हो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाले हैं इस रिश्ते में। प्लीज इनका गाइड करें, जिनको भी ये एनर्जी रेजोनेट हुआ है, जो भी व्यूअर्स ये रीडिंग को देख रहे हैं, जब भी देख रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इमीडिएट नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है इस रिश्ते में, प्लीज एंजल गाइड करें। इमीडिएटली नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस रिश्ते में, बहुत सारे कार्ड्स आ रहा है, और डेविल का कार्ड पहले है,
नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, प्लीज इनको गाइड करें इस रिश्ते में। नेक्स्ट एक्शन इमोशनल विड्रोवल, एट ऑफ कप्स की एनर्जी अभी अभी आया था, फिर से आए हैं। ओके, हार्ट चक्र एंड मूवमेंट चॉइसेस डिसीजन, थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को ट्रिगर करेंगे, इमोशनली ट्रिगर करेंगे, उसके बाद आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जीत में आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा जिद्दी नेचर के हो जाएंगे आपके पर्सन। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस रिश्ते में, आपके लिए नंबर 8 भी इम्पोर्टेंट है, नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, आपको रेजोनेट कर सकता है किसी भी तरीके से, लकी नंबर हो सकता है, वर्तमान हो सकते हैं। ओके यस, तो आ गए हैं सारे कार्ड्स, और कार्ड्स मैं नहीं लूँगी। बॉटम द डेक है अवेयरनेस, आने वाले टाइम में आपके पर्सन को नॉलेज मिलेगा, विस्टम मिलेगा, डिवाइन की गाइडेंस मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगा, उनको क्लैरिटी अगर नहीं था कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो उनको क्लैरिटी मिलेगा। और देखिए सारे ही पॉजिटिव कार्ड है यहाँ पर, तो आपके पर्सन इमोशनली अपसेट है, उनके पास कितना भी चॉइसेस क्यों ना है, 8 कप्स है उनके पास, मतलब 8 चॉइसेस है, फिर भी उन्होंने जो है अकेले बैठे हैं यहाँ पर, हाथ जोड़ के बैठे हैं, अकेले आइसोलेटेड है, हाथ जोड़ के बैठे हैं, दूर से संसार से दूर है, घर से दूर है, ठीक है, सी के पास बैठे हैं। कुछ लोग के पर्सन हो सकता है सी के आसपास रहते हो, या फिर सिटी से अपने घर से दूर रहते हो, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग के लिए, तो घर वापस आने की एनर्जी है, अगर मूव ऑन कर चुके थे तो वापस आएंगे, चैरियट का कार्ड है, ठीक है। आपके पर्सन डिसीजन ले लेंगे कि उनके लाइफ में सेलिब्रेशन लेके आनी है, हैप्पीनेस लेके आनी है, शादी करनी है आपसे, हायरोफेंट का कार्ड फिर से आया है। आपके पर्सन को विजडम मिलेगा, नॉलेज मिलेगा कि कैसे सेलिब्रेशन लेके आनी है, शादी करनी है। और देखिए एट ऑफ बैंस के साथ यहाँ पर थ्रोट चक्र की एनर्जी है, तो थ्रोट चक्र मतलब कम्युनिकेशन, और एट ऑफ बैंस मतलब कम्युनिकेशन। तो जिन्होंने भी मैनिफेस्ट किया है, जिनको भी बहुत ज़्यादा ड्रीम में स्टार वगैरह दिखा है, स्काई दिखा है बहुत अच्छा, या तो फिर ओवरऑल यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन रिसीव होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी टाइम से आपने मैनिफेस्ट किया है, पॉजिटिवली वेट किया है, बहुत सारे हार्डल्स देखे हैं, ऑब्स्टिकल्स देखे हैं, नेगेटिविटी देखे हैं, ठीक है, और खुद को हील करके अपने पॉजिटिव रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपके पर्सन वापस आएंगे, 5 to 8 डेज के अंदर कॉल मैसेज आएगा, 5-5 की भी वाइब्रेशन है यहाँ पर, और 8-8 की भी वाइब्रेशन है, ठीक है। तो आपके पर्सन की कॉल मैसेज बहुत सारे लोगों को रिसीव होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, और शादी से रिलेटेड सेलिब्रेशन विथ चैरियट, एक्शन लेंगे शादी से रिलेटेड, ओके। और जिनके भी पर्सन कार्मिक मैरिज में थे वहाँ से वापस आ सकते हैं, 1-1 की वाइब्रेशन है, तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग होगा, स्टेबिलिटी वो आपको देंगे, लॉन्ग टर्म रिश्ता यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, विजडम का कार्ड क्यों आए हैं, प्लीज इनको गाइड करें। और जो लोगों के पर्सन शादी में सेपरेशन में है, यहाँ पर शादी में सेलिब्रेशन आएगा, रियूनियन होगा, ठीक है, आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएंगे। विजडम का कार्ड क्यों आया है, प्लीज इनको गाइड करें। इमोशनल लॉस, सैक्रिफाइस, थर्ड पार्टी को सैक्रिफाइस करेंगे आपके पर्सन शादी के बीच में, जो भी थर्ड पार्टी आ रहा है आप दोनों के शादी के बीच में, जो भी थर्ड पार्टी आ रहा है वो एंड होगा। नंबर 5 फिर से आया है, 555 यहाँ पर आ चुके हैं, आपको दिख रहा है 555 का कार्ड, तो मेजर चेंज आने वाले हैं आपके रिश्ते में, बहुत बड़ा चेंजेस आएंगे आपके लिए, जो भी होगा आपके लिए पॉजिटिव होगा। कैसा सेलिब्रेशन, प्लीज एंजॉय गाइड करें। 3 of Cups की एनर्जी क्यों आए हैं यहाँ पर, यस, न्यू बिगिनिंग होगा, आपके पर्सन काफ़ी पैशनेट रहेंगे और डिसीजन लेंगे, यहाँ पर एक साइकिल एंड होगा, आपका विश फुलफिलमेंट होगा। देखिए कितना ब्राइटनेस, कितना उजाला है, सन का कार्ड है, होप का कार्ड है, तो आपके विशेस फुलफिल होगा, बहुत सारे लोगों के विशेस फुलफिल होगा, यूनिवर्स का कार्ड है, सन का कार्ड है, और क्या चाहिए यहाँ पर, बहुत पॉजिटिविटी है, स्टार का कार्ड है, और बहुत सारे यहाँ पर स्टार आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अगर ड्रीम में आपको लाइट दिख रहा है, होप दिख रहा है, मतलब येलो कलर के लाइट, सनराइज होते हुए दिख रहे हैं, स्टार दिख रहे हैं, इस तरीके का स्काई दिख रहे हैं, बहुत क्लीन स्काई, ठीक है, दिख रहा है, तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव रिजल्ट आपको रिसीव होने वाले हैं, जजमेंट होगा डिवाइन की तरफ से, और न्यू बिगिनिंग होगा आने वाले टाइम में। तो और कुछ क्लैरिफाई मैं नहीं करूँगी, यहाँ पर 111 भी आ चुका है, तो जिनको भी एंजल नंबर 111 दिख रहा है, तो यहाँ पर जो है न्यू बिगिनिंग होने के चांसेस है आपके लव लाइफ में। तो ये है आपके लिए रीडिंग, चलिए कुछ गाइडेंस को भी ले लेते हैं आज के दिन में। स्ट्रेंथ में आ रहे हैं आपके पर्सन,
क्वेश्चन जो गाइड करे मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है इस रिश्ते में, क्या करने की जरूरत है मेरे व्यूअर्स को, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए। कंक्लूशन आर विद इन रीच, एक कार्ड आ रहा है कई दिनों से, कंक्लूशन आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, दोनों चीज़ों में बैलेंस करें, प्रैक्टिकल लाइफ एंड स्पिरिचुअल लाइफ में। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी नहीं होनी है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी नहीं होना है, ठीक है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, बहुत ज़्यादा प्राइड मत फील करो। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, प्यार से हैंडल करो सिचुएशन को। यू आर गुड एनाफ, होल्ड योर विजन, तो आप बहुत अच्छे हो, यू आर गुड एनाफ का कार्ड है, आप बहुत अच्छे हो, जो भी हो जैसे भी हो अच्छे हो, एंजल बोल रहे हैं। होल्ड योर विजन, क्या आप चाहते हो उसके ऊपर फोकस रहो, काम करो, बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें मत सोचो, बहुत बहुत ज़्यादा ऑप्शन में काम मत करो, एक ऑप्शन के ऊपर काम करो। इमोशन आर रनिंग हाई, बहुत सारे लोग रो रहे हो, नेगेटिविटी में हो, तो यहाँ पर आपको इमोशन को बैलेंस करनी है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, कोई भी चीज़ में बहुत ज़्यादा घमंड, बहुत ज़्यादा प्राइड खुद को लेके नहीं करनी चाहिए, ठीक है। डाउन टू अर्थ रहो, यहाँ पर साइन निकल कर आया है, लियो, वर्गो, एक्वेरियस, यस, और यहाँ पर है पाइसिस, यस। तो ये सारे मैसेजेस आपके लिए हैं, आई होप रीडिंग आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है जरूर से लाइक करें, चैनल पे न्यू आए हैं सब्सक्राइब करें। फिलहाल टाटा, टेक केयर योरसेल्फ एंड ऑल्सो अदर्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।